नमस्कार दोस्तों आप सभी मित्रों का हमारे यूट्यूब चैनल अम्बे दुर्गा ज्योतिष पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने सपने में झाड़ू को देखते हैं या फिर आप झाड़ू को लगा रहे हैं या फिर आप झाड़ू को खरीद रहे हैं या फिर आप किसी भी अवस्था में झाड़ू को देख रहे हैं तो उसका क्या मतलब होगा इसके बारे में आज हम आपको विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बताने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको यह जानकारी मिल पाए कि सपने में झाड़ू देखना शुभ है या फिर अशुभ दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने सपने में झाड़ू को देखते हैं तो इसका क्या अर्थ है और यह सपना आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालने वाला है दोस्तों सपने में अगर आप झाड़ू को देखते हैं तो यह सपना एक सकारात्मक सपना होता है हाँ दोस्तों आपने यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो देखी होंगी जिन्होंने इसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में बताया है लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों हमारे भारतीय समाज में यानी कि हमारे हिंदू धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी झाड़ू को लक्ष्मी माना जाता है यानी कि अगर आप अपने सपने में झाड़ू लगाते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि इस समय आपके घर से सभी प्रकार की परेशानियां या फिर बुराइयां इस समय ख़त्म होने वाली है और दोस्तों इतना ही नहीं सपने में अगर आप झाड़ू को ख़रीदते हैं तो दोस्तों यह सपना आपके लिए एक और भी अच्छा और सकारात्मक सपना होगा यह सपना आपको इस बात की ओर संकेत करता है कि इस समय आपके पास धन की कमी नहीं रहने वाली है क्योंकि दोस्तों सपने में झाड़ू खरीदना इस बात की ओर संकेत करता है कि इस समय आपको कहीं से धन की प्राप्ति होने वाली है इस समय आपके घर में कहीं से धन और पैसा यानी कि पैसा आने वाला है अब दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आप अपने सपने में झाड़ू को बेचते हुए देखते हैं तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है देखिए दोस्तों सपने में अगर आप झाड़ू को बेचते हुए देखते हैं तो यह सपना किसी भी तरह से सकारात्मक सपना नहीं है यह एक असकारात्मक यानी कि यह या एक अशुभ सपना है यह सपना आपको इस बात की ओर संकेत करता है कि इस समय आपके घर में पैसे की कमी रहने वाली है और इस समय आपको यहाँ वहाँ भटकना पड़ सकता है पैसे के लिए और दोस्तों यह सपना एक अशुभ सपना है अब दोस्तों हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने सपने में झाड़ू को बार बार देखते हैं तो यह सपना एक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक सपना होगा यह सपना आपको इस बात की ओर संकेत करता है कि इस समय आपके पास धन की पैसे की यानी कि कोई कमी नहीं रहने वाली है इस समय आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है इस समय आप अगर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो यह भी खत्म हो जाएगी इस समय आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आने वाली है इस समय आपके पास लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी तो दोस्तों सभी तरह से देखा जाए तो सपने में झाड़ू देखना एक बहुत ही अच्छा और सकारात्मक सपना है और इससे जुड़े सभी सपने अच्छे सपने हैं केवल अगर आप अपने सपने में झाड़ू को बेचते देखते हैं तो यह सपना एक बुरा सपना है बाकी सभी सपने एक सकारात्मक सपने हैं तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल अम्बे दुर्गा ज्योतिष को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही सुबह सुब सुबह सुबह से जुड़ी जानकारियाँ आपके लिए लाते रहते हैं तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद जय माता दी